हमने सीखा, पहला, दो समरूप आकृतियों के माप में विशेष अनुपात होता है, जिसे स्केल गुणक या स्केल फैक्टर कहते हैं। दूसरा, दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो समरूप होते हैं, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों या उनके संगत कोण बराबर हों। तीसरा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। चौथा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। पाँचवा, सभी सर्वांग सम बहुभुज समरूप भी होते हैं। छठवां, किन्हीं दो समरूप बहुभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात या स्केल गुणक के समान होता है। सातवां, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आठवां, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे आप साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी या भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी कहते हैं। नौवां, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दसवां, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ग्यारहवां, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। बारहवां, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तेरहवां, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है।